हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास फोर्थ करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, इसका कन्वर्जन डिस्कस किया, जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। मींस अभी तक हमने डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन किया है, अब हम अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। मींस हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखने वाले हैं, जिसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया हुआ है। इसमें देखना, मतलब बाइनरी टू डेसिमल का मतलब क्या है कि हम बेस टू को बेस टेन में कन्वर्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेस टेन को अदर्स में कन्वर्ट किया था, मतलब टेन को हमने टू, एट, सिक्सटीन में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हम टू टू टेन कन्वर्जन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट ले लूँगी। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले जो डेसिमल का लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, डेसिमल का लेफ्ट पार्ट एंड डेसिमल का राइट पार्ट एंड ये डेसिमल, ओके। हम डेसिमल का सबसे पहले लेफ्ट पार्ट कन्वर्ट करके, अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू की पावर में कन्वर्ट करते हैं। मींस देखना, इसको मैंने खोल के लिख लिया, 1101 टू की पावर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 × 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 × 2 की पावर 0, ये 0 × 2 की पावर 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3 ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम। ये 1 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 3। मींस हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अगर एक और होता 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मींस 1, ओके, 2 की पावर 0 1, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। ठीक, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आता है। 1 × 2 की पावर 4 मींस 4 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, इन सब को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ जाएगा 13। तो हमारा इसका ये जो हमें क्वेश्चन हम दिया हुआ था, इसका जो है लेफ़्ट साइड सॉल्व हो गया है और ये हमारा आया 13। अब हम इसका राइट साइड सॉल्व करेंगे, इसको भी मैंने खोल के लिख लिया है, इसको भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, बट कैसे, ये 0 है, 0 × 2 की पावर -1, नेगेटिव पावर में, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ 2 की पावर -1, ऐसी 1 × 1 × 2 की पावर -2, ऐसी अगर एक और होता 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0 × 2 की पावर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखना ये कैसे सॉल्व होगा, 1 × 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/2, ठीक है, 2 की पावर -2 मीन्स 1/, ये तो इसका मतलब है 1/4। ठीक है, 1/4 क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, 1/4 0.25 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/4 लिखा एंड इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, तो बेस टू को बेस टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये जो हमें गिवन था, हमने इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के हमारा फाइनल ये आया, मतलब हमारा आया 13.25 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 13.25। तो हमने बेस टू को बेस टेन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ऐसे ही होगा सब कुछ, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू हिंट दे दिया है, आप इसके और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद हम ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। थैंक यू।